आज है 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के जिले में सावन भर शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। बदायूं जिले में सावन माह के मद्देनजर बीएसई ने कक्षा 8 तक के सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त विद्यालयों में शनिवार और सोमवार को अवकाश घोषित किया है। वहीं 20 जुलाई को वृद्ध स्तर पर होने वाले पौधारोपण अभियान में शिक्षक व कर्मचारियों को हिस्सा लेने के निर्देश भी दिए गए। जिले के कछला गंगा घाट से लाखों की संख्या में कांवड़ियों का आना जाना सावन भर लगा रहेगा। यूपी के 4 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिल पाएगा फ्री बिजली का लाभ। यूपी के 4 लाख से ज्यादा किसानों को झटका लगने वाला है। इन किसानों को यूपी सरकार की फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। 4 लाख से ज्यादा किसान इस योजना से वंचित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके कनेक्शन पर अभी तक मीटर ही नहीं। इस योजना के तहत निजी नलकूप कनेक्शन पर मीटर होना अनिवार्य है। मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति किलोवाट 140 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की व्यवस्था है। कृषि उत्पादों के निर्यात में यूपी ने लगाई लंबी छलांग, देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा। कृषि उत्पादों के निर्यात में लंबी छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। पिछले वर्ष 2023 में यूपी देश में 5वें स्थान पर था, लेकिन अपने संसाधनों को बेहतर बनाकर व सही दिशा में प्रयासों के बल पर पहली बार इस वर्ष तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। अब कृषि निर्यात के क्षेत्र में सिर्फ यूपी से आगे महाराष्ट्र और गुजरात है। टीचर सिखाएंगे बच्चों को चाय पकौड़ी और पंचर बनाना, इन क्लासेस के स्टूडेंट्स की होगी ट्रेनिंग। करके सीखो कार्यक्रम के तहत जिले के परिषदीय स्कूल के विद्यार्थी शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर भी बनेंगे। भाजपा सरकार ने परिषदीय स्कूल में लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत गुरुजी बच्चों को चाय पकौड़ी और पंचर बनाना ही नहीं, बल्कि खेती किसानी, कारपेंटर और जूस निकालने का भी गुर सिखाएंगे। सरकार के ये कदम बच्चों के भविष्य के लिए सदुपयोगी होंगे। जवानों को रासायनिक और परमाणु हमलों से बचाएगा सिर्फ 2 किलो का ये सूट। रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान व विकास स्थापना कानपुर ने नई उपलब्धि हासिल की। जवानों को 24 घंटे तक रासायनिक हमलों से सुरक्षित रखने के लिए देश में पहली बार एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक की नई तकनीक पर आधारित केमिकल प्रोटेक्टिव सूट विकसित किया गया है। केवल 2 किलोग्राम भार का ये अत्याधुनिक सूट अग्निरोधी होने के साथ साथ जैविक और हल्के न्यूक्लियर हमले में भी कारगर साबित होगा। नोएडा एक्सटेंशन वालों के लिए खुशखबरी, खत्म होगा सालों पुराना इंतजार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। इस इलाके को जल्द ही यहां का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मिलने वाला है। इस बात की जानकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से एक बयान जारी करते हुए दी गई। प्राधिकरण ने बताया कि इस 45 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण जल्दी ही शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के लिए भ्रमण पथ बना रही योगी सरकार, सरयू नदी से सीधे मंदिर पहुंचेंगे श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर जाने के लिए योगी सरकार अब एक और पथ बना रही है। ये पथ श्रद्धालुओं को सरयू नदी से सीधे राम मंदिर ले जाएगा। पथ का नाम होगा भ्रमण पथ। सरकार राम मंदिर जाने के लिए पहले ही जन्मभूमि पथ, राम पथ और भक्ति पथ बनवा चुकी है। भ्रमण पथ का 1/4 कार्य पूरा हो गया। ये भ्रमण पथ अब काशी में गंगा और विश्वनाथ धाम को जोड़ने की तर्ज पर सरयू नदी से राम मंदिर को जोड़ेगा। मुजफ्फरनगर में सलीम मियां 25 साल से चला रहे थे संगम शाकाहारी भोजनालय, बदलना पड़ गया नाम। योगी सरकार के आदेश के बाद यूपी के कावड़ रूट पर मौजूद दुकानों और ढाबों के नाम बदलने शुरू हो गए। दुकानदार को अपने नाम का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर सलीम पिछले 25 सालों से संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय का संचालन कर रहे थे। नए आदेश के बाद इस ढाबे का नाम सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय कर दिया गया है। सलीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग में इसी नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। नोएडा सीईओ का स्वच्छता की ओर एक कदम। नोएडा के सेक्टर 53 स्थित कंचनजंगा मार्केट में एक नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया गया। नोएडा प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम ने इस सुविधा को आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया। बीते करीब 3 साल में 200 से अधिक शौचालय नोएडा में बनाए गए, इसमें से करीब 57 सार्वजनिक शौचालय हैं। 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस मनाएगी कांग्रेस।
कांग्रेस 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस मनाएगी। इसके तहत जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने की मांग करेगी। इसे लेकर प्रदेश भर में सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं को इकट्ठा किया जाएगा। भविष्य की सियासत के लिए कांग्रेस के इस आयोजन को बड़ा हथकंडा माना जा रहा है। अगस्त से और महंगी होंगी जिले की जमीनें, लागू होगा नया सर्कल रेट, 10-15% दर बढ़ने की संभावना। मुरादाबाद जिले की जमीनें अगस्त माह से और भी महंगी हो जाएंगी। 1 अगस्त से नया सर्किट रेट लागू होगा। राजस्व से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि जमीन के रेट इस साल 10-15% तक बढ़ने की संभावना है। यूपी सरकार के फैसले पर मायावती ने जताई आपत्ति, बोली आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग के व्यापारियों का नाम दुकानों पर लिखने के आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये धर्म विशेष के लोगों को आर्थिक तौर पर बायकॉट करने का प्रयास है, जो कि अति निंदनीय है। यूपी के 10 जिलों में 116 पीएम श्री स्कूल जल्द शुरू होगा कायाकल्प। पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में बनारस के 9 स्कूल्स को चुना गया है। इसमें 2 राजकीय इंटर कॉलेज और 7 परिषदीय विद्यालय हैं। बनारस और आसपास के 10 जिलों में कुल 116 स्कूल्स को पीएम श्री योजना के लिए चुना गया। इसमें सबसे ज्यादा 24 स्कूल आजमगढ़ में हैं। आने वाले दिनों में इन सभी स्कूल में कायाकल्प शुरू कर दिया जाएगा। नमो भारत स्टेशन पर मिलेगी पार्किंग की सुविधा, कितना देना होगा शुल्क। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सराय कालेखा से मेरठ के बीच नमो भारत के स्टेशन पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के मुताबिक इन स्टेशन पर 8,000 से ज्यादा वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इनमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ साइकिल भी शामिल हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को आसान करने के लिए ये सुविधा दी जाएगी। अगस्त के अंत तक नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा यमुना एक्सप्रेस वे। जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जेवर के दयानतपुर गांव के पास बनाए जा रहे इंटरचेंज का 80% काम पूर्ण हो चुका है। इस इंटरचेंज से एयरपोर्ट तक जाने वाली 800 मीटर की सड़क और अंडरपासेस का निर्माण लगभग समाप्त हो चुका है। गोरखनाथ क्षेत्र के लोगों के लिए लखनऊ जाना होगा और आसान। गोरखनाथ क्षेत्र पीपीगंज, कैपियरगंज और सोनौली की ओर से लखनऊ जाने वालों को जल्द ही एक और मार्ग का विकल्प मिल जाएगा। ग्रीन सिटी से माधोपुर बंधे तक लोक निर्माण विभाग 18 मीटर चौड़ी 2 लेन सड़क बनाएगा। इसके लागत 111.47 करोड़ रुपए आएगी। शासन ने परियोजना को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए पहली किश्त के तौर पर 22.29 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। यूपी के शहरों में फिर से शुरू होंगे बंद सिनेमाघर, योगी सरकार देगी अनुदान, सीएम ने अफसरों से मांगा प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बंद सिनेमाघरों के पुनर्संचालन, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स निर्माण, एकल छवि गृह निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में सिनेमा की बड़ी भूमिका है। नोएडा वालों को मिलेगा मेट्रो का नया रूट, 11 किलोमीटर की लाइन पर बनेंगे 8 स्टेशन। नोएडा को योगी सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से ग्रेटर नोएडा के बीच नया मेट्रो रूट बिछाया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। ये मेट्रो रूट 11 किलोमीटर लंबा होगा और 8 स्टेशन बनेंगे, जिससे कई सेक्टर्स को बड़ा तगड़ा फायदा पहुंचने वाला है। यूपी सरकार कैबिनेट ने मंगलवार को मेट्रो की एक्वा लाइन के सेक्टर 142 से ब्लू और मजेंडा लाइन के इंटरचेंज बॉटनिकल गार्डन के बीच प्रस्तावित रूट को मंजूरी दी। खुशखबरी, IIT कानपुर से फ्री में SSC कोचिंग का मौका। SSC की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें SSC की कोचिंग करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर नहीं लगाने होंगे, ना ही मोटी मोटी फीस देनी पड़ेगी। दरअसल IIT कानपुर उन्हें निशुल्क SSC की तैयारी कराएगा। जी हां, IIT कानपुर ने SSC के कोचिंग के लिए खास साथी ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से बच्चे SSC से जुड़े पाठ्यक्रम को पढ़ सकेंगे। ये पाठ्यक्रम SSC को देखते हुए तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में 481 में 459 पद रह गए खाली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 481 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है।
सिर्फ 22 पदों पर ही चयन हो पाया है। योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से 459 पद खाली रह गए। खास बात यह है कि सिर्फ आरक्षित श्रेणी के 22 पद भरे, अनारक्षित श्रेणी के एक भी पद पर चयन नहीं हो सका। चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 जनरल फिजिशियन के 316 पदों और कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो फिजिशियन के रिक्त रह गए 165 पदों को विज्ञापन की शर्त के अनुसार जोड़कर कुल 481 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 1 और 2 जुलाई को इंटरव्यू कराए थे। नोएडा में नहीं चलेंगी स्कूल्स की मनमानी। नोएडा में आरटी के तहत एडमिशन न देने वाले स्कूल के खिलाफ डीएम सख्त है। इसी को देखते हुए डीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कानून के अंतर्गत निशुल्क प्रवेश की समीक्षा को लेकर अहम फैसले किए गए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. नितिन मदान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्कूल्स के द्वारा 100% दाखिला न देने पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया गया। अब नोएडा में लाल चौक वाला घंटाघर और दिल्ली का सेंट्रल विस्टा। उत्तर प्रदेश के नोएडा का भी अपना घंटाघर होगा। ये घंटाघर श्रीनगर के लाल चौक पर बने घंटाघर जैसा होगा। इसकी ऊंचाई करीब 70 फुट की होगी। ये सेक्टर 38A स्थित मॉल और सेक्टर 18 मार्केट के बीच पुलिस चौकी की जगह पर बनाया जाएगा। पुलिस चौकी यहां से हटाकर FOB के पास मॉल की बाउंड्री वॉल के साथ शिफ्ट की जाएगी। यूपी के जिले में 2500 मुर्दे ले रहे हैं सरकारी कोटे से फ्री राशन। जानकर हैरत होगी लेकिन अमेठी जिले में मुर्दे भी गरीब कल्याण योजना का जमकर लाभ उठा रहे हैं। 2440 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके नाम पर बकायदा हर माह राशन खारिज हो रहा है। इतना ही नहीं, 2 हेक्टेयर से अधिक खेती वाले 8911 लोग भी गरीब बनकर मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। यूपी में 2 दिन तक होगी झमाझम बारिश, गिरेगी बिजली, 53 जिलों में अलर्ट। यूपी में गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के लगभग 53 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के मध्य व पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। अखिलेश यादव के मानसून ऑफर पर ब्रजेश पाठक ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच का तनाव सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव मौर्य का 100 विधायक लाकर सरकार बनाने का मानसून ऑफर दिया, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई। सपा अध्यक्ष के मानसून ऑफर को उन्होंने बकवास बताया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।